tujh and welcome back to another vlog. मैं सोचा उठा हूँ बल्कि उठा था मैं अभी अपने आप को फ्रेश किया नहाया बहुत ही ज़बरदस्त वाट थी और अब मैं जाऊँगे सीधा टेस्ट के लिए और वहाँ पर आपके साथ मिलूँगा तो स्टे विद अस कहीं मत जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करें थैंक यू इस खान ये हॉस्टल की जिंदगी है यार ये क्या पजूल वाली जिंदगी है यार ऊपर देखो कपड़े भी खुद ही सही करना होता है यार इसमें हॉस्टल के बारे में वन लाइन बस लाइन लाइन कुछ नहीं बस ये कि हॉस्टल की जिंदगी दो लाख से कम नहीं ठीक है यार हॉस्टल की लाइफ से बहुत ही ज्यादा नफरत है यार हॉस्टल की लाइफ एक गद्दे की तरह है अगर आप इसे इत्तेफाक करो या ना करो लेकिन गद्दे से भी बेहतर है गद्दे से भी आप भी उसने खुद के लिए कपड़े इसरी किए और इसरी भी किसी और की थी तो ये क्यों कौन सी लाइफ है यार बहुत ही ज़्यादा गंदी गद्दे से भी बदतर है ये लाइफ And paratha. Pasta paratha. This is Pyar Mohabbat. And this is chola paratha. फिटनेस सेंटर पहुंचा ही नहीं यार मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ और पहुंच इस कुछ का होटल के बारे में टेस्ट जो था वो यानी वो बहुत आसान भी था और मुश्किल भी था क्योंकि लड़कियाँ कह रहे थे कि ये आसान था वहाँ पर लोग कह रहे थे कि आसान था आसान यार लड़कियों को हर चीज़ आसान क्यों लग रही है यार बस उसको पता नहीं लेकिन हम मेरे ख्याल में आपको ऐसा होगा कि आपके साथ जो है ना आंटियाँ होगी आंटियाँ इतने बड़े बड़े गर्ल होते हैं यार कसम से मेरे ख्याल में तुम्हारा कितना उम्र है 19 20 साल तो यार उसका तो उम्र 26 तक हो गई है इतने इतने आंटी आए थे यहाँ वहाँ पर टेस्ट के लिए आंटी आए थे आंटी थे ना हाँ सारे बहुत बड़े थे यार वैसे मेरे ख्याल में 100% में 20% तक यानी जवान और 16-17-18 साल तक लड़कियाँ थी फिर दोनों बाकी सारे जूते वो आंटियाँ मुझे न्यूज़ मत दो माँ आसान सी बात करो मुश्किल भी होता आसान भी होता मुश्किल इसलिए था तुम्हारे लिए मुश्किल इसलिए था कि मैथ्स भी उसमें वहाँ पर आता मैथ्स में वो तुम्हारे लिए मुश्किल था और मैथ्स जो है इस पर क्या आता एलसीएम तुझे एलसीएम नहीं आती वो 8 क्लास में हमने किया 8 नहीं बल्कि 7-6 में हमने हमको उस पर एक एमसीक्यू जैसा आया था 0 10 15 10 13 15 अगला नंबर क्या है एमसीक्यू ये आपको आता है आप इसको सीक्वेंस में रख देते थे सीक्वेंस नहीं यार कसम से को सीक्वेंस कौन सा वो तुझे हम नहीं था इसमें इसे तुझे हाँ वो टिप्स थोड़ा सा दिया होता है कि सीक्वेंस में करना होता है यार ये नंबर दिया था एंड उसके बाद नंबर के बाद लिखा था अदर नंबर है देश ये जो टेस्ट वाले रहे ये बहुत बड़े कमीने लोग हैं कि तुम्हें हमारे साथ जद इसलिए की थी कि हमारे रूम में एक भी इंटेलिजेंट नहीं था और हम सब जूते बहुत ही कमज़ोर थे तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम बहुत कमज़ोर हैं तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम YouTube से कमाएं किसी और जगह से नहीं क्योंकि जॉब तो हमें मिलते नहीं तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें प्लीज़ यार पर तुम मानो ना वीडियो लाइक करो तो छोड़ा बस बंद कर दो लाइक करो दूसरों के साथ भी शेयर करो यार प्लीज़ यार अब पिशावर में इतनी गंदगी मैंने कभी नहीं दी
you feel that way. Guess you try to stay strong and fake a smile. Ahora se va.